नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ SRF के ऊपर, SRF लिमिटेड के ऊपर आज स्टॉक में चर्चा होगी दोस्तों आज इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ देखिए, एक काफ़ी आप कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में थोड़ी तेज़ी आई थी, बट पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक ने दिखाई और बड़े सपोर्ट जोन स्टॉक में टूटते हुए दिखे। बट करेंटली क्या वापस से तेज़ी आने वाली है, क्योंकि आप जब आप देखेंगे आज आपकी अभी आपकी स्क्रीन में स्टॉक एक अपने आप कह सकते हैं मीडियम, एक आप मीडियम ही कहना चाहिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है, जो कि एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। और अपने एक बड़े सपोर्ट और एक इंस्टेंट आप कह सकते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होना, ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, कौन से वो लेवल है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके ना दोस्तों बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी के चलते हैं SRF के ऊपर। देखिए SRF लिमिटेड आज लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, यानी लगभग 22 रुपए की आपको यहाँ तेज़ी देखने को मिली है। और आप देखें तो इससे जिस रेजिस्टेंस के ऊपर से तेज़ी दिखाई ना, वो देखिए वही है जो मैं अक्सर स्टॉक की चर्चा करता हूँ, 2230। देखिए 2230 से 2250, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर कोई भी स्टॉक ऐसे लेवल्स को तोड़ता है ना 50 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को, तो एटलीस्ट एक बार 30 के आसपास जाता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और देखिए हुआ भी यही, स्टॉक 30 से जो तेज दिखानी शुरू किया, एक बार बीच में फिर गिरावट आई, बट स्टॉक संभला और अब इमीडिएट रेजिस्टेंस के काफ़ी ऊपर बंद हुआ। क्योंकि देखिए ये 2250 है, इसने इस लेवल को तोड़ा 2050 के, वापस आया नीचे, लेकिन बाजार बंद होते हुए संभला 1 बजे के बाद से और वही सस्टेन रहा। और ये ना एक स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाती है कि भाई स्टॉक स्ट्रांग रहा है, और ये एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों, ठीक है। तो वो निवेशक जो निराश थे कि भैया वापस गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से 2230 रुपए से ऑलमोस्ट 4% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका था, और 2230 रुपए के आसपास, जो हमेशा कहता हूँ 2230 रुपए के आसपास, स्टॉक एक बड़ी तेज़ी दिखा रहा था, माफ़ कीजिएगा, एक बड़ी गिरावट दिखा रहा था 2230 के आने तक। और ये यही चीज़ है कि 2350 से पहले 2230 से स्टॉक गिरा, ठीक है, और 2330 से स्टॉक गिरा और 2230 के आसपास आया, यानी 100 रुपये के आसपास की गिरावट, फिर वहाँ से बड़ी तेज़ी, ठीक है। तो अब आप देखें स्टॉक आने वाले समय में क्या जाएगा, तो देखिए वापस वही सिंपल चीज़ है कि भाई 2290 से लेकर के स्टॉक को 2310 वापस से इस लेवल को देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये इस 20 रुपये के, क्या ये इस 20 रुपये के लेवल को तोड़ तो नहीं रहा है। अगर ये तोड़ दे दोस्तों, वापस से स्ट्रांग होगा और 2330 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप समझिए SRF ना पिछले काफ़ी समय से एक रेंज बाउंड ट्रेड है। एक साल में आप देखें स्टॉक अगर निचले स्तरों से देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, निचले स्तरों से 22% ज़्यादा की तेज़ी, विच इज़ फाइन। लेकिन आप देखें ना स्टॉक अगर आप यहीं लिए रहते, कहाँ पर आज के दिन लिए रहते, तो भी आप नेगेटिव रिटर्न में ही रहते। इसीलिए पहली चीज़ हमेशा बाय ऑन डिप्स की सोचें, ठीक है। अगर स्टॉक में निवेश करना है तो ट्रेड करना है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, बट इन्वेस्ट करना है तो हमेशा भाई साहब ये देखिए, यहाँ पे अगर लेना था तो एक छोटा चंक लेते, फिर गिरता 2000 के आसपास, तो बहुत बहुत शानदार स्टॉक के पास सपोर्ट आ गया था, वहाँ से स्टॉक वापस से तेज़ी हुआ, जिन्हें निकलना था उससे काफ़ी अच्छा लेवल तक निकल जाते, फिर गिरावट हुई भाई, फिर एक टुकड़ा खरीद लेते, फिर आपके ऐसे एवरेज प्राइस ज़्यादा अच्छे हो जाते दोस्तों। और यहाँ नहीं भाई, थोड़े थोड़े लेते रहिए, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन देखिए समझिए, अभी भी इसके पास ना अगर आप देखेंगे SRF के पास, तो करेंटली निचले स्तरों पर लगभग 2200 के आसपास कह सकते हैं आप, निचले स्तरों से लगभग 2200 रुपये के आसपास, ठीक है, और ऊपरी स्तरों से भाई साहब 2600 रुपये का लेवल, यही कितना 22 नीचे, मैं एक बार नीचे कर लेता हूँ, देखिए 2200 है नीचे और
ऊपरी सरों पे 2600, यहीं पे स्टॉक लगातार एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। तो भाई जब यहाँ स्टॉक इसके आसपास आए एक टुकड़ा खरीद लें अगर आपको निकलना है इन लेवल्स पे निकल लें, क्योंकि समझिए केमिकल एज अ सेक्टर अभी दबाव के दौर से गुजर रहा है और जिस प्रकार से क्रूड ऑयल लगातार ऊपर ट्रेड कर रहा है नियर टर्म में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना नहीं लगता। हाँ अगर क्वार्टर टू में कुछ बहुत सरप्राइजिंगली पॉजिटिव कर लेता है SRF दोस्तों, जिसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है, अगर कर लेता है तो स्टॉक पिटा हुआ है और रिजल्ट अच्छा आया है, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों एक शानदार तेजी का। लेकिन उसके लिए भाई क्वार्टर टू के नंबर्स देखने पड़ेंगे, गिरावट हो एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, बट अभी स्टॉक रेंज बाउंड में रहने वाले हैं, इसीलिए ऐसी उम्मीद ना करें कि यहाँ खरीद के स्टॉक तुरंत 6 महीने आगे 2 गुना या 3 गुना कर देगा, ये एटलीस्ट अभी तो नहीं होने वाला दोस्तों जिस तरह का ओवरऑल माहौल है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखें जब भी SRF में निवेश करें या कोई भी केमिकल कंपनी में आप निवेश कर रहे हो दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी हमने सबसे शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।